करगिल में मुनक्कद 15 रोज़ा थिएटर वर्कशॉप इख्तिताम पज़ीर हो गया है। कल्चरल एकेडमी करगिल ने इसका इनेकाद किया। प्ले प्रोडक्शन ओरिएंटेड थिएटर वर्कशॉप का अहतमाम किया गया था। इख्तितामी तकरीब पर डायरेक्टर स्कूल एजुकेशन डॉक्टर सफदर अली, एआरटीओ करगिल खादिम हुसैनी, पद्मश्री आखून असगर अली और दीगर शख्सियात भी मौजूद थीं। इस मौके पर एक ड्रामा पेश किया गया। डॉक्टर सफदर अली ने कल्चरल एकेडमी करगिल और टीम को उनकी कारकर्दगी पर मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि ड्रामे का पैगाम शायकीन तक पहुंचेगा और उम्मीद है कि वो माशरे की बेहतरी के लिए उसे अवाम तक पहुंचाएंगे। लड़कियां ज़्यादा सुसाइड कर रही है ऐसी रीज़न पे, तो काजो सर ने सोचा कि क्यों ना इसी चीज़ को लेकर अवेयर करें लोगों को। जो कुछ ऐसे मतलब कदम उठा रहे हैं वो भी कम से कम अवेयर हो जाए कि ऐसा नहीं करने के लिए। गुथुर करके जो प्रोग्राम आज यहाँ पे लद्दाख एकेडमी ऑफ आर्ट कल्चर एंड लिटरेचर की तरफ से यहाँ पे जो डिस्प्ले हुआ है, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम था। तो मुझे उम्मीद है कि जितने भी ऑडियंस में लोग बैठे हुए थे, इस मैसेज को उन्होंने बखूबी अपनाया होगा कि डिप्रेशन और ड्रग एडिक्शन जैसे जो सोसाइटी में जो हमारे इल्स हैं उसको कैसे टैकल किया जाए। तो हमारा पैगाम ये था कि भाई सोसाइटी के अंदर इस तरह के कुछ एलिमेंट्स, इस तरह के कुछ अगर पीपल है, इस तरह के कुछ लोग हैं जो डिप्रेस हैं अपनी कुछ कुछ चीज़ों की वजह से, तो उनको हौसला अफजाई हम लोग देना चाहिए। सबसे पहले हम अपने सोसाइटी, अपने घर, अपने रिश्तेदार, सबसे पहले उनको मतलब ये बोलना चाहिए कि तुम ठीक हो, अच्छे हो, तुम्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो 15 दिन प्ले प्रोडक्शन एक थिएटर वर्कशॉप हमने किया है वो आज इख्तिताम तक पहुँच गया। तो इस प्रोग्राम को इख्तिताम के दौर पर हमने क्लोजिंग सेरेमनी पर एक थिएटर ड्रामा स्टेज किया जिसका नाम हमने गोथुर रखा। ये पूरा जो थिएटर प्ले है ये काजो अहमद खान एनएसडी, जो पहला हमारे खिते कारगिल का पहला एनएसडी ग्रेजुएट है और बाखूबी उनकी जो स्किल्स है, उनकी टैलेंट है, उन्होंने जितने भी आर्टिस्ट है उनको साथ रख के एक अच्छा सा प्ले 1 घंटे का किया।